हे गाइस व्हाट्स अप। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि पैराजंबल्स को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए। और पैराजंबल्स को सॉल्व करना आसान है, इसके लिए आपको दो कंडीशन फॉलो करना है। पहला, रीडिंग हैबिट आपको इम्प्रूव करना है अपनी। मेंस एग्ज़ाम से पहले आप डेली न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स जो हैं उसको डेली आप पढ़ेंगे। इसमें 10 से 20 मिनट लग सकता है आपका, लेकिन ये आपके रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करेगा और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव करेगा सेंटेंसेस का। पैराजंबल्स को जनरली वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है जब आपके पास ग्रामेटिकल पावर ना हो, लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे कि प्रोनाउंस कहाँ पर यूज़ करना है और पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ करना है, अगर ये चीज़ें आपको मालूम हो तो पैराजंबल्स आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो थोड़े से टफ भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। पैराजंबल्स का मीनिंग है कि आपको जो सेंटेंसेस दिए रहेंगे या वर्ड्स दिए रहेंगे वो सिस्टमेटिक आर्डर में नहीं दिए रहेंगे, उनको सिस्टमेटिक आर्डर में आपको अरेंज करना है। सिस्टमेटिक आर्डर में आपको अरेंज करना है। पैराजंबल्स को देखते हैं। पैराजंबल में दो टाइप्स के आते हैं आपको, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। अब ये दोनों क्या हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, मैं दो दो एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा और क्विकली कैसे आप सॉल्व करेंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे आप तो एग्ज़ाम में चुटकी में आप सॉल्व करेंगे पैराजंबल्स के क्वेश्चंस। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में अगर मैं कहूँ, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस दैट कंटेन जंबल्ड पैराग्राफ्स। जंबल्ड पैराग्राफ दिया रहेगा, यू आर प्रोवाइडेड विद अ पैराग्राफ इन विच द सेंटेंसेस आर गिवन इन रॉन्ग ऑर्डर। सेंटेंसेस रॉन्ग ऑर्डर में दिए रहेंगे, इट्स अप टू यू टू अरेंज देम इन सच अ वे दैट दे लॉजिकली मेक सेंस। ये इम्पॉर्टेंट है, जो सेंटेंसेस आप अरेंज कर रहे हैं पैराग्राफ के फॉर्म में जो दिया है जंबल्ड पैराग्राफ के फॉर्म में, जिन सेंटेंसेस को आप अरेंज कर रहे हैं, सपोज पी क्यू आर एस के फॉर्म में आप अरेंज कर रहे हैं, तो ये सेंटेंसेस लॉजिकली मेक सेंस होना चाहिए। जब आप सेंटेंसेस को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो लॉजिकली मेक सेंस होगा। अब पैराजंबल्स को सॉल्व करने के टिप्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट गो में जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो फर्स्ट गो में आप क्या करेंगे, रीड एज दे आर फाइंडिंग इधर स्टार्टिंग आर कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग आर कंक्लूडिंग सेंटेंसेस को जब आप पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, तो आपका 50% जो है प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो सब आपको जो ग्रिपिंग बनानी है वो है कि जब आपको पैराजंबल सेंटेंसेस दिए रहें तो उस समय आपको स्टार्टिंग और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस को सबसे पहले ढूंढना है। थर्ड, लिंकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को लिंकिंग करना कि एक के बाद, जैसे पी क्यू आर एस के फॉर्म में है तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि क्यू वन पे आएगा और एस जो है वो लास्ट में आएगा, तो इसके बीच में पी आएगा कि आर आएगा, लिंकिंग ऑफ सेंटेंसेस, क्यू के बाद सपोज आर आ रहा है तो ये हुआ लिंकिंग ऑफ सेंटेंसेस। चेकिंग वोकेबुलरी इन्वेंटिवनेस, स्टार्टिंग एंड कंक्लूडिंग वर्ड्स आपको सर्च कर लेना है, सो देयर फोर मीन वाइल मोर ओवर इन फाइन नेवर्थलेस एटसेट्रा। ये जो चीज़ें हैं इनको क्या करना है आपको, वोकेबुलरी इन्वेंटिवनेस चेक करना है, ये शुरू में आ रहे हैं या अंत में आ रहे हैं, इनको आपको अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस उसके अनुसार आपको सेंटेंसेस में फिट करना है। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं हम, पहला एग्जाम्पल है रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, आपको स्टेटमेंट वन दिया है रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, स्टेटमेंट लास्ट दिया है टू रीड इज़ टू कम्यून विथ वंस सोल। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है,
पी क्यू आर एस, चार ऑप्शन दे रखा आपको। अब इसका ऑर्डर क्या होगा आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आपको। रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, टू रीड इज़ टू कम्यून विद सोल। आपका फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस फिक्स हो गया। अब आपसे ऑर्डर पूछ रहा है वो कि क्या क्या ऑर्डर होगा। पी, दिस जॉय इज़ कम्प्लीटली इनकम्पेरेबल, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नाइस इंटरटेनमेंट, इट ब्रॉडन्स वंस माइंड एंड एड्स वंस नॉलेज, बट अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग हैज़ अ वेरी स्पेशल एट्रीब्यूट दैट इट फॉल्स वन विथ प्योर जॉय। पी क्यू आर एस, इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शंस को आपको अरेंज करना है सिस्टमेटिक वे में कि एस वन और एस सिक्स के बीच में कैसे इनका अरेंजमेंट होगा, ताकि एक लॉजिकली मतलब आप बना सकें पैराग्राफ, वर्ड्स को अरेंज कर सकें लॉजिकली, मेक सेंस होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिया है द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, आर क्यू पी एस, आर क्यू एस पी, क्यू आर पी एस, क्यू आर एस पी। हम देखते हैं और यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट के बाद होना चाहिए आपके पास, इन ऑप्शंस में हम जाते हैं, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, देन इट, मैं कहूँगा कि इसके बाद होना चाहिए रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, देन इसके बाद क्या सेंटेंस आना चाहिए, दिस जॉय इज़ कम्प्लीटली इनकम्पेरेबल, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ नाइस एंटरटेनमेंट, इट ब्रॉडन्स वंस माइंड एंड एड्स वंस नॉलेज, बट अपार्ट फ्रॉम दिस नो, मैं कहूँगा कि सेंटेंस आर जो है, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट देन इट ब्रॉडन्स वंस माइंड एंड एड्स वंस नॉलेज। इसके बाद क्या होना चाहिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नाइस एंटरटेनमेंट, इन एडिशन टू ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है नाइस एंटरटेनमेंट। देन अब इसको कंट्रडिक्ट करना है हमें, या दो सेंटेंसेस बचे हैं आपके पास पी और एस, अब इनमें से आपको सेट करना है कि कौन सा होगा। दिस जॉय इज इन दिस जॉय इज कंप्लीटली इनकम्पेरेबल, बट अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग हैज़ अ वेरी स्पेशल एट्रीब्यूट दैट इट फॉल्स विद द प्योर जॉय। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आर क्यू, अब जो स्टेटमेंट आएगा वो होगा यस दिस वन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग हैज़ अ वेरी स्पेशल एट्रीब्यूट दैट इट फिल्स वन विद प्योर जॉय। नाउ अब कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, दिस जॉय इज कम्प्लीटली इनकम्पेरेबल, सो इस आंसर इज आर क्यू एस पी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एन ल्यूमिनियस बॉडी इज वन विच इमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, बट फ्रॉम द मून द अर्थ अपीयर्स लाइक अ ब्राइट बॉडी बिकॉज द सन्स लाइट फॉल्स ऑन इट। इसमें आपको चार सेंटेंसेस दिए गए हैं, कौन कौन से चार सेंटेंसेस हैं, पी क्यू आर एस। अब इसमें ये पूछ रहा है कि द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्यू एस पी आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू एस आर, क्यू एस आर पी। मैं कहूँगा मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करने की यहीं पे कोशिश कर रहा हूँ, आप देखेंगे। पहला सेंटेंस है अ ल्यूमिनियस बॉडी इज वन विच इमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, इसके बाद मैं कहूँगा द अर्थ इज ऑल्सो नॉट ल्यूमिनियस, द सन इज द नियरेस्ट ल्यूमिनियस बॉडी टू अर्थ। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, द अर्थ इज नॉट ल्यूमिनियस यहाँ पे नहीं आ सकता है, द सन इज द नियरेस्ट ल्यूमिनियस बॉडी टू अर्थ। यस, अ ल्यूमिनियस बॉडी इज वन विच इमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन, इसके बाद अगर हमको कुछ ऐड करना है तो द सन इज द नियरेस्ट ल्यूमिनियस बॉडी टू अर्थ, पॉइंट क्यू। देन इसके बाद क्या सेट हो सकता है, अब बचता है आपके पास द अर्थ इज ऑल्सो नॉट ल्यूमिनियस,
इसको हम बाद में होल्ड करके रखते हैं अभी. इट इज़ द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन. द मून सीम्स टू शेड लाइट बट इट इज़ नॉट इट्स ओन लाइट. द सन इज़ द नियरेस्ट ल्यूमिनस बॉडी टू अर्थ. पहला ये हो गया. सेकेंड आपको यहाँ पे जो रखना है वो रखना है द मून सीम्स टू शेड लाइट बट इट इज नॉट इट्स ओन लाइट. क्यू के बाद एस. देन पी और आर में कौन सा होगा. द अर्थ इज ऑल्सो नॉट ल्यूमिनियस. अब अर्थ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये, तो ये आ गया द अर्थ इज नॉट ल्यूमिनियस. एंड लास्ट में आएगा आपका नो. कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो लास्ट में आएगा. पी यहाँ पे आर को पढ़ते हैं हम. आर क्या कहता है. इट इज़ द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन. यस, सन और मून दोनों लाइट शेड करते हैं. अब उसका वो बता रहा है कि इट इज़ द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन, तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा. देन द अर्थ इज ऑल्सो नॉट ल्यूमिनियस. अब ये कह रहा है एक फाइनल कंक्लूडिंग जो सेंटेंस है लास्ट में जाएगा ये द अर्थ इज नॉट ल्यूमिनियस. इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए. क्यू एस आर एंड पी. पी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा. इस तरह से आप ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को ऑर्डर करेंगे सो दैट दे मेक सेंस, लॉजिकली मेक सेंस. अप्रोचेस ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स को कैसे हम ऑर्डर करें सो दैट दे मेक लॉजिकली सेंस. फॉलो द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस. ऑलवेज आपको जो सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है. नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है. पहले सब्जेक्ट आएगी, वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा. ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का. अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिगनिंग एंड एंड वर्ड्स. ये इम्पॉर्टेंट है जब आप ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कर रहे होंगे या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कर रहे होंगे तो बिगनिंग और एंड वर्ड्स को जरूर आपको ध्यान रखना है. अगर इसको आपने सेलेक्ट कर लिया तो 50% आपका जो जॉब है वो कंप्लीट हो गया. अब इसमें क्या है. अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिगनिंग एंड एंड वर्ड्स में हम क्या समझेंगे. द बिगनिंग एंड कंक्लूजन आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फॉर ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर. ये जो बिगनिंग होता है और कंक्लूजन होता है वो किस लिए किया जाता है. इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर. यहाँ पे होगा एग्जामिनर. द प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ वर्ड्स डिपेंड्स अपॉन क्लैरिटी एंड प्रिसीजन. ये क्लैरिटी और प्रिसीजन जो है वो आपका आपको आएगा रीडिंग हैबिट से. जब आप रेगुलरली डेली 1 से 2 महीने न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनके किसी के भी एडिटोरियल्स आप एक एडिटोरियल्स डेली रीड करेंगे तो उसके साथ आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी. तो वो आपको एडिटोरियल्स को रीड करना है. और ये कह रहा है कि द प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ वर्ड्स डिपेंड अपॉन क्लैरिटी एंड प्रिसीजन. रीडिंग हैबिट से आपको क्लैरिटी एंड प्रिसीजन आएगा. कीप इनसिग्निफिकेंट वर्ड्स अवे फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड प्लेसेस. जो भी इनसिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं उनको बिगनिंग और एंड प्लेसेस पे नहीं रखना है. इस बात का आपको ध्यान रखना है. नेवर कमेंस अ सेंटेंस विथ एंड बट सिंस because and other similar big words and never end it with preposition, small, big, adverb or pronouns. आपको कभी भी and, but, since, because इन sentences से word को word की शुरुआत नहीं करनी है. sentence जब आप बना रहे हैं, ordering of words कर रहे हैं तो इनसे and, but, since, because या और कोई भी big words हो सकते हैं जिनसे आपको sentences की शुरुआत नहीं करनी है. लर्न टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स. फॉलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल ऑफ ग्रामर. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी.
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे राम प्लेज क्रिकेट एंड दे प्ले क्रिकेट, तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लेज आएगा, एंड दे जो है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे और इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, इसको भूलना नहीं है आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। नेवर यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस, इम्पॉर्टेंट, नेवर यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस ईदर फॉर द पास्ट टेंस आर वाइस वर्सा। पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में या पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट टेंस के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। विच इम्प्लाइज दैट, क्या बताता है ये, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड नॉट बी यूज विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब लाइक हैज, हैव, हैड, वाज एटसेट्रा। अगर ये नहीं लगा हुआ है तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है, नो द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल। शैल का यूज कहाँ करेंगे और विल का यूज कहाँ करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे कॉमन जनरली जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, तो शैल और विल कहीं भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी आपकी ग्रामर चेक की जा रही है और ग्रामर में आपको सही करेंगे तभी यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। नो द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल, जनरली शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई बी, आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, एंड विल इज यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन लाइक इज यू, ही, सी, इट, दे एट्सेट्रा। बट शैल का यूज हम दूसरे रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कब, जब डिटर्मिनेशन हो उसमें, बट इफ द एक्ट शोज डिटर्मिनेशन दे कैन बी यूज वाइस वर्सा। मीन्स अगर डिटर्मिनेशन हो तो शैल का यूज जो है यू, ही, सी, इट, दे के लिए भी हम शैल का यूज करेंगे, जब डिटर्मिनेशन हो, कोई काम करने की डिटर्मिनेशन हो या फर्म डिटर्मिनेशन हो कि इसे मैं करके ही रहूँगा, अगर डिटर्मिनेशन होगा तो वहाँ पे शैल का यूज हम सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यू, ही, सी, इट, दे के साथ भी कर सकते हैं और आई बी का यूज जो है विल के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। विद द फर्स्ट पर्सन शैल इज यूज इन डायरेक्ट स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस अ सिंपल फ्यूचर एक्शन एज आई शैल गो टू द सिटी टुमारो। विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शैल इज यूज टू एक्सप्रेस अ डिटर्मिनेशन, कैसे, यू शैल गो टू द सिटी टुमारो, यू शैल गो टू द सिटी टुमारो, इसमें डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, ही शैल गो टू द सिटी टुमारो। विद द फर्स्ट पर्सन विल इज यूज इन डायरेक्ट स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, वाइस वर्सा था, वाइस वर्सा में आप यूज कर सकते हैं, अगर डिटर्मिनेशन का यूज किया गया है तो आप आई बी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं और यू, ही, सी, इट, दे के साथ आप सेल का भी यूज कर सकते हैं जब डिटर्मिनेशन दिया हो तब, जैसे आई विल गो टू द सिटी टुमारो, I will go to the city tomorrow. Determination. With the second and third persons is used to express simple future action. Second और third person के साथ जब वो व्यक्त करेगा simple future action, as example के लिए you will go to the city tomorrow. Simple future action. He will go to the city tomorrow. वह जाएगा कल city. Understand the use of objective and subjective pronouns. ये एक important point है
ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को आपको समझना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, द बॉय हु आई सेंट टू सी यू। फर्स्ट रीड में अगर आप रीड कर रहे हैं तो यही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ गलत है। कैसे? द बॉय हु आई सेंट टू सी यू, हु, इट्स रॉन्ग। द बॉय, इसका करेक्ट क्या होगा? द बॉय हुम आई सेंट टू सी यू। Whom is here the object of the transitive verb sent? Use relative pronouns such as who, whom, which, that, etc. very carefully. सावधानी से आप इनका यूज करेंगे, who, whom, which, that, etc. They cannot be used as a substitute for each other. वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट के रूप में यूज नहीं किए जा सकते हैं। For example, it is wrong to say we are the people whom, it's wrong, whom नहीं होगा यहाँ पे, we are the people who vote for the government, who होना चाहिए। आप sentence को जब पहली बार में पढ़ते हैं तो आपको doubt वहीं पे feel हो जाता है और ये reading habit से possible हो पाएगा। आप जितना read करेंगे English को उतना अधिक आपका जो logical sense होगा वो develop होगा। It should be we are the people who vote for the government. Next, आपको दो बातें जो ध्यान रखनी है वो हैं, who refers only to person, which refers only to things. Things के लिए which refer होगा, who only refers to persons. Sixth point देखते हैं, Know the difference between superlative degree and comparative degree. Superlative degree, comparative degree, जैसे कि good, better and best. Best क्या है? Superlative degree है. Better जो कि comparison के लिए use किया जाता है, ये comparative degree है और ये इसका basic. Superlative degree words should always be preceded by the article the. Superlative degree का जब हम यूज करेंगे कभी भी, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर अदरवाइज आप द का यूज नहीं करेंगे तो आपका वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है वो गलत हो सकता है। Comparative degree words are used for comparison between two, whereas superlative degree is used for making a comparison in a group of more than two people. Point 7th, don't use adjective and adverb interchangeably. आपको adjective और adverb में difference पता होना चाहिए और कौन कहाँ use होगा ताकि वो make sense हो सके वर्ड्स में या जब आप ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कर रहे हों। एग्जाम्पल, ताजमहल वाज लुकिंग ब्यूटीफुली। क्या ये जो सेंटेंस है सेंस कर रहा है? नोप, इट्स रॉन्ग। ताजमहल वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, यस, दिस मेक सेंस। पॉइंट 8th, पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब शुड बी क्लोज टू द वर्ड्स दैट दे मॉडिफाई। प्लेस द एडवर्ब इज पॉसिबल टू द वर्ड इट मॉडिफाइज। एडवर्ब में भी आपको ध्यान देना है और एडजेक्टिव में भी आपको ध्यान देना है। इन दोनों में डिफरेंस, एडवर्ब मॉडिफाइज करता है वर्ब को, एडजेक्टिव जो है कि नाउन को, तो इनमें डिफरेंस। और जितना आप रीड करेंगे एडिटोरियल्स को, न्यूज़पेपर्स के, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स को, उतना ज़्यादा आपकी लॉजिकली मेक सेंस आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। दो एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। He completed his project quickly. ये wrong होगा क्योंकि इसका जो position है quickly last में ना होकर ये कहाँ होना चाहिए? He quickly completed his project. आपको मैंने पहले बताया था कि subject, verb, object, इस बात का हमें ध्यान रखना है और ये normal structure जो sentence का है ये follow होना चाहिए। इस sentence में
अब देखेंगे कि ये फॉलो नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही क्या है, ही क्विकली कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसमें मेन वर्ब हो गई, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सहायक वर्ब है, ये मेन वर्ब है, क्विकली। ही क्विकली कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। अब इसको हम एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स को। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज, आपको इनिशिएशन दे दिया, इसके बाद आपको पी क्यू आर एस चार दिए होंगे वर्ड्स, इनको आपको लॉजिकली मेक सेंस, ऐसा सेंटेंस बनाना है। प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी आर पी क्यू एस क्यू आर पी एस एंड क्यू आर एस पी आर पी एस क्यू। तो इसका कैसे हम अरेंज करेंगे वो आपको देखना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम और समझते हैं इसको। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज, इट इज ईजी टू एक्सक्यूज बट इट इज डिफिकल्ट एन ए बॉय ऑफ 12 द मिस्चीफ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स। गुड, अब आप इन चार सीक्वेंस में से अरेंज करें, पहले मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको और आई होप कि आपने अरेंज कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अरेंज इसका क्या होगा। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज, इसके बाद आना चाहिए द माइंड सेट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, देन बट, अब इसको हम अपोज करेंगे, द माइंड द मिस्चीफ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज डिफिकल्ट टू, डिफिकल्ट टू क्या बताना चाहता है अब, टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स, किस में, इन अ बॉय ऑफ 12 ईयर। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर डी होगा, आर पी एस क्यू। अब फिर से पढ़ते हैं हम आर पी एस क्यू को। इट इज ईजी टू एक्सक्यूज द मिसचीफ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज डिफिकल्ट टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल फॉल्ट्स इन ए बॉय ऑफ 12। यस, ये जो सेंटेंस है इन चारों को मिलाने के बाद ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, मेकिंग लॉजिकली सेंस। तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। एक और क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हैं। ओनली माउंटेनियरिंग शुड टेक अप पीपल हु लव एडवेंचर्स, ये चार आपको दिए गए हैं वर्ड्स, इनको आपको पी क्यू आर एस के फॉर्म में अरेंज करना है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए आपका, ओनली माउंटेनियरिंग शुड टेक अप पीपल हु लव एडवेंचर्स, पीपल, आई थिंक ऑप्शन इसका होना चाहिए पीपल हु लव एडवेंचर, फर्स्ट में ये होना चाहिए, सेकेंड में हु लव एडवेंचर्स एंड थर्ड में होना चाहिए आपका शुड टेक अप एंड फाइनली फोर्थ ये होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपका, बी आर एस क्यू पी। एक बार फिर से हम सेंटेंस इसको पढ़ते हैं, आर एस क्यू पी। आर क्या कहता है, पीपल, एस पीपल हु लव एडवेंचर्स, देन क्यू शुड टेक अप ओनली माउंटेनियरिंग। यस, ये जो आपका सेंटेंस बन रहा है ये कम्प्लीटली लॉजिकली सेंस बना रहा है। दोस्तों इस तरह से आपने इस लेसन में सीखा कि पैराजंबल्स को हम कैसे आसानी से इजिली कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रख करके सॉल्व कर सकते हैं और वो भी 100% करेक्टनेस के साथ।
इसी तरह के और यूजफुल लेसन्स को वॉच करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें इस चैनल को। इस चैनल पे आप काफ़ी जानकारी जो है यूज़फुल जानकारी पाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ नाइस डे।